दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के प्रेम संबंधों का एक ऐसा राज खुलकर सामने आया है, जिसे जानने के बाद आपको ये समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा कि अभिनेत्री रेखा बिना किसी हमसफर यानी बिना पति के आज तक कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और ये राज जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कई शादियों के बावजूद भी रेखा का घर आज तक क्यों नहीं बस पाया। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 70 के दशक की बोल्ड अभिनेत्री जीनत अमान कई सारे मर्दों के साथ संबंध रखने के बावजूद क्यों जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। जी हाँ दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जीनत अमान के निजी जीवन के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जीनत अमान जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पर हमारे देश में कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी का रिवाज है, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों ने इस ट्रेंड को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद किया है। गुजरे जमाने से लेकर नए दौर तक बॉलीवुड में कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने समाज की परंपरा से अलग हटकर एक ट्रेंड सेट किया है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा कहने को तो गुजरे जमाने की अभिनेत्री हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती से वो आज की हसीनाओं को भी टक्कर दे देती हैं। रेखा के चेहरे के नूर को देखकर लगता है कि उन्होंने वक्त को अपना गुलाम बना दिया है। रेखा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री कही जाती हैं। अपनी दमदार अभिनय से उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा साबित की है, बल्कि अपनी मस्तानी आंखों और दिलकश अदाओं से लोगों का दिल भी चुरा लिया है। 70 के दशक से लेकर अब तक रेखा फैंस के साथ सितारों की भी पसंदीदा रही हैं। रेखा का फिल्मी करियर बेहद ही सफल रहा। हीरोइन बनने के बाद वो माँ के किरदार में नजर आई और हर किरदार से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बनाया। मनोरंजन जगत में सितारे जितने बड़े होते हैं, कई बार उनके उतने ही विवाद सुनने को मिल जाते हैं। रेखा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उमराव जान बनकर अपनी अदाओं से घायल कर देने वाली रेखा की जिंदगी में कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जो ना कभी भुलाए गए और शायद ना कभी भुलाए जा सकेंगे। रेखा ने अपने हिंदी करियर की शुरुआत सावन भादो फिल्म से की थी। यह उनकी पहली हिट फिल्म भी थी, लेकिन प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसी भी ग्रेट फिल्म का भी रेखा हिस्सा रही। इस फिल्म में सुनील दत्त लीड रोल में थे। फिल्म में एक्सपोज करती रेखा के पोस्टर्स को देख उस समय काफी हंगामा मचा था। फिल्म में रेखा तवायफ के रोल में नजर आई थी। रेखा के तालाब में नहाने और बिना कपड़ों के बाहर आने के सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की खूबसूरती हमेशा चर्चा का विषय रही है। उम्र के इस पड़ाव में भी रेखा आज भी खूबसूरती और अपने निराले अंदाज से हर किसी को टक्कर देती है। वही न सिर्फ पुरानी पीढ़ी बल्कि आज की युवा पीढ़ी भी रेखा को काफी पसंद करती है। रेखा को 3 बार फिल्म फेयर और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। रेखा पद्मश्री से सम्मानित भी है। रेखा ने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें घर खर्च के लिए भी ग्रेट फिल्मों में एक्सपोज भी करना पड़ा। अपने करियर में रेखा ने करीब 175 हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है, जिनमें खूबसूरत खून भरी मांग, खून और पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और उमराव जान शामिल है। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड में रेखा को काम सूत्र जैसी इरोटिक फिल्मों का हिस्सा भी बनना पड़ा। रेखा ने कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिसमें उनकी मर्जी के बिना बोल्ड सीन कराए गए। रेखा के जीवन की कहानी में अमिताभ बच्चन का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अमिताभ और रेखा ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और उन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अमिताभ शादीशुदा थे, ऐसे में रेखा के साथ उनके रिश्ते को कभी खुलकर सामने नहीं लाया गया। हालांकि बेबाक बिंदास और बेधड़क रेखा ने कई बार खुलकर इस बात को जाहिर किया कि वो अमिताभ से प्यार करती हैं। सिमी गरेवाल के शो में बात करते हुए सालों पहले रेखा ने अपने प्यार को लेकर काफी कुछ कहा था। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि जब तक मुझे पता चला कि अमित जी को 2 अनजाने में काम दिया जा रहा है, मैं घबरा गई थी।
जब मैंने उनके साथ काम किया तो ये अनुभव ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा। एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां कैसे हो सकती है। इस पर सिमी ने उनसे पूछा था कि क्या आपको उनसे प्यार हो गया था, जिसके जवाब में रेखा ने कहा था कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। रेखा ने कहा कि मेरा उनसे कोई निजी कनेक्शन नहीं था और न ही हम कोई कपल थे। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप दुनिया भर का प्यार ले लीजिए और उसमें थोड़ा और मिला दीजिए। उनके लिए मैं वैसा महसूस करती हूँ। देव आनंद की फिल्म दम मारो दम से लोगों को अपनी दीवाना करने वाली 70 के दशक की बोल्ड अभिनेत्री जीनत अमान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा विवादों से घिरी रही। कभी बॉयफ्रेंड ने तो कभी पति ने उनके साथ बेरहमी की। फिल्मी पर्दे पर अपनी हॉट एंड सेक्सी अदाओं से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खूबसूरत अभिनेत्री जीवन भर अपनी हवस की भूख को शांत नहीं कर पाई और सच्चे प्यार के लिए बुढ़ापे तक तरसती रही। इस अभिनेत्री ने कई सारे मर्दों के साथ संबंध रखे, लेकिन सभी ने अपना उल्लू सीधा किया और चले गए। लेकिन इस खूबसूरत अदाकारा को कोई भी खुश नहीं कर पाया। और तो और, जिस मर्द के साथ उन्होंने शादी की थी उसने भी इस हीरोइन को अपनी रखेल बनाकर रखा और हमेशा मारपीट करता रहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री जीनत अमान के निजी जीवन के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जीनत अमान जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जीनत अमान ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उनके अभिनय के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी काफी दीवाने थे। एक समय ऐसा था जब जीनत अमान को हिट फिल्मों की गारंटी तक माना जाता था। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली जीनत के पिता अमानुल्लाह खान फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते थे। उन्होंने बतौर को राइटर मुगल ए आजम और पाकीजा लिखी। 13 साल की उम्र में ही जीनत के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे अमान लिखना शुरू कर दिया। उन्हें शुरुआत से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 1970 में मिस एशिया पैसिफिक बनने में कामयाब रही। इस खिताब के बाद जीनत के लिए फिल्मों की राह और आसान हो गई। हालांकि उनकी शुरुआती कुछ फिल्में नहीं चली तो उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया। जीनत को पहचान मिली 1971 में देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। इस फिल्म की सफलता ने जीनत के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। जीनत अमान जहां एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रही थी तो वहीं वो अपने अफेयर को लेकर भी लगातार चर्चा में रही। संजय खान और जीनत अमान के अफेयर के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में उस वक्त खूब गूंजते थे। खबरें तो यहां तक थी कि जीनत अमान ने शादीशुदा संजय खान से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। फिल्म अब्दुल्लाह के सेट से दोनों के अफेयर के किस्से शुरू हुए। संजय पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। अब्दुल्लाह फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद संजय खान ने जीनत को फोन कर अपने साथ एक गाना शूट करने के लिए कहा, लेकिन जीनत काफी बिजी थी। डेट की कमी के चलते जीनत ने शूट से मना कर दिया, जिसके बाद संजय खान भड़क उठे और फोन पर ही जीनत को खूब खरी खोटी सुनाई। जीनत जब संजय के घर पहुंची तब उन्हें पता चला कि संजय ताज होटल में पार्टी करने गए हैं, जिसके बाद जीनत घबराहट में वहां पहुंच गई। जीनत संजय को मनाने जब ताज होटल पहुंची तो वहां दोनों में बहस हो गई। फिर क्या था, संजय ने पूरे स्टाफ के सामने ही जीनत अमान की पिटाई कर दी। जीनत का जबड़ा टूट गया था और दाहिनी आंख की रोशनी कमजोर पड़ गई। दिग्गज अभिनेत्री का फिल्मी करियर जितना सफल रहा उनकी निजी जिंदगी उतनी ही अधिक तनाव में कटी। बोल्ड और मजबूत किरदार निभाने वाली जीनत अमान घरेलू हिंसा का शिकार हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीनत अमान संजय खान के साथ रिश्ते में थी। कहा जाता है कि एक दिन संजय खान ने अपना आपा को जीनत अमान पर हाथ उठा दिया था। कहा जाता है जीनत अमान की आंख खराब होने का कारण संजय ही है। इसका पूरा असर उनके करियर पर पड़ा और उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलने में दिक्कतें आईं। जीनत अमान ने उनके परिवार के खिलाफ जाकर एक्टर मजहर खान से शादी की थी। शुरुआत में सब सही चल रहा था। दोनों की शादी मीडिया में उन दिनों सुर्खियों में रहती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। आलम ये था कि मजहर जीनत के साथ हाथापाई तक करने लगे थे। शादी के बाद जीनत और मजहर के 2 बच्चे हुए, लेकिन इसके बावजूद मजहर के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आ। मजहर चाहते थे कि जीनत बॉलीवुड को छोड़ दे और घर के काम संभाले, लेकिन जीनत ने उनसे साफ मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच खूब मारपीट होने लगी।
यह सिलसिला कुछ समय चला, जिसके बाद साल 1993 में मजहर की बीमारी का पता चला। जीनत बताती हैं कि वो 1993 से लेकर 1997 तक मजहर के इलाज में लगी रही और दिन रात अस्पताल के चक्कर काटती रही, यह सोचकर कि उनके पति बच जाए। हालांकि मजहर को बचाया नहीं जा सका। अभिनेत्री की माने तो मजहर के जाने के बाद उनके घर वालों ने सारा पैसा अपने पास रख लिया और जीनत और बच्चों के लिए फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी। जीनत अमान ने यह भी बताया था कि उनकी सास ने उनके बेटे के भी कान भर दिए थे। हालांकि अभिनेत्री की माने तो आज उनके बच्चे ना सिर्फ अपने पिता बल्कि अपना माँ दोनों की ही बड़ी इज्जत करते हैं।